नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चिंताजनक परिस्थिति जो यूके में खड़ी होने वाली है, और उसके पीछे का जो रीजन है वो है ऑपरेशन अर्ली डॉन। अभी ऑपरेशन क्या है, तो ये यूके की गवर्नमेंट किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं बल्कि खुद ही के जो सिटीजन है, यूके के जो सिटीजन है, जो आम नागरिक है, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन करने वाले। तो उसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन अर्ली डॉन है, उसको कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसको एनेक्ट नहीं किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन हाल में वहां पर जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, खास करके यूके की जेल्स में जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, जिसको वहां पर प्रिजन कहते हैं, उसको ले ये जो ऑपरेशन है उसको एनेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो ऑपरेशन है उसको देखने से पहले भारत और यूके के बीच जेल और प्रिजन को लेकर जो डिफरेंसेस हैं, उसको एक छोटे से एक्सप्लेनर के साथ समझते हैं। तो भारत जब भी किसी मुजरिम को सजा दी जाती है तो उसको कारावास में भेजा जाता है, कारागार में भेजा जाता है, और उसको हम लोग जेल कहते हैं। यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति गुनहगार नहीं बना है, जिसको अस्थायी हिरासत कहते हैं, उस समय के दौरान उसको हवालात में यानी कि पुलिस सेल में रखा जाता है। अब ये जो दो पर्टिकुलर व्यवस्था है, उसमें जेल की जो व्यवस्था है भारत में, जिसमें क्रिमिनल घोषित होने के बाद किसी भी व्यक्ति को जब रखा जाता है उसको जेल कहते हैं, उसी को यूके में प्रिजन कहा जाता है, और जिसको हम लोग यहाँ पर हवालात कहते हैं, उसको वे लोग वहां पर पुलिस से कहते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी क्लियर करना क्यों जरूरी था, तो ये जो ऑपरेशन अर्ली डॉन है वो उसी के ऊपर आधारित है। यूके में हाल के समय में और पिछले कुछ समय से वहां के जो प्रिजन में कैदियों की संख्या है वो क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ऑपरेशन अर्ली डॉन को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो ऑपरेशन अर्ली डॉन है, उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि वहां का जो प्रिजन सेंटेंस, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका जो प्रिजन सेंटेंस है उसको कम कर दिया जाए, ताकि वे लोग जल्दी से निकल सके वहां से, और जैसे जैसे जेल्स खाली हों, जैसे जैसे प्रिजन खाली हों, वैसे वैसे नए जो सस्पेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चलने बाकी हैं, जिनके ऊपर कोर्ट केसेस चलने बाकी हैं, उन लोगों के ऊपर कोर्ट केसेस चलाए जाएं, और बाद में अगर उन लोगों का सेंटेंसिंग होता है, उनको अगर प्रिजन सेंटेंस दिया जाता है, उनको अगर कारावास में रखने की बात की जाती है, तो उनको वहां पर भेजा जाता है। तो इसी प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन अर्ली डॉन को डिवाइस किया गया था, डिफाइन किया गया। ये कुछ समय पहले हो चुका था, लेकिन उसको अब ये जो हाल में किए स्टार्मर की जो सरकार है उसके अंतर्गत इस मंशा से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि वहां पर यूके की जेल्स में, प्रिजन में जो भी कैदी हैं, जो लोग सजा काट रहे हैं, जिनको वहां की कोर्ट्स ने गुनहगार घोषित कर दिया है और वहां पर वो प्रिजन सेंटेंस काट रहे हैं, जेल टर्म काट रहे हैं, उन लोगों उनको जो जेल टर्म दिया गया है उससे सिर्फ 40% समय सर्व करने के बाद ही रिलीज कर दिया जाए। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि समझ लीजिए किसी ने गुनाह किया है किसी भी प्रकार का और उसको 10 महीने की जेल हुई, तो उसके सामने उसको सिर्फ 4 ही महीने की जेल टर्म काटनी होगी, और उसके बाद उस गुनहगार को, जो कि गुनहगार घोषित हो चुका है, उसको छोड़ दिया जाए। तो उसी के ऊपर चलते हुए ये ऑपरेशन अर्ली डॉन वहां के जो प्रिजन्स है उनकी संख्या को कम करने के लिए, उनका जो क्रिटिकल लेवल है उसको डाउन लाने के लिए। लेकिन उसके सामने हाल में जो सरकार है वो वहां पर यूके में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि आम लोग, जो कि यूके के सिटीजन्स हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो कि इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहां पर जो इलीगल इमिग्रेशन चल रहा है और उसके चलते जो वायलेंस, चोरी की घटनाएं और इस प्रकार की कई सारी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके सामने वो लोग सड़क पर आए हैं और वे लोग सरकार पर यह दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार ये जो इलीगल इमिग्रेशन वहां पर हो रहा है उसको रोके और जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे हैं उन लोगों को यूके से बाहर निकाले। अब ये बहुत ही जायज मांग है। हम लोग भी भारत में जो भी रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इलीगली घुसे हैं उन लोगों के खिलाफ समय दर समय बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ ट्वीट करते हैं, आवाज उठाते हैं और अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से वहां पर यूके में भी यूके के जो आम नागरिक हैं, जो कि पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं, उनके कई सारे वंशज और कई सारे फैमिलीज वहां पर सदियों से रह रहे थे, उन लोगों के वंशज, उन लोगों की फैमिलीज वाले आज बाहर रास्ते पर निकलकर कियर स्टार्मर को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ये जो इलीगल इमिग्रेशन चल रहा है उसको रोका जाए। लेकिन ये जो
लेफ्ट विंग वाली सरकार वहां पर आई है, जो कि लेफ्ट विंग से भी ज्यादा लेफ्ट विंग यानी कि फार लेफ्ट लग रही है, जिस प्रकार से वे लोग एक्शन ले रहे हैं उसके चलते वे लोग इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन करने की जगह पर उन लोगों को उनकी सोसाइटी से बाहर निकालने की जगह वे लोग उनको आश्रय दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारा फाइनेंशियल और मेडिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो उसी के चलते यूके के जो आम नागरिक वो काफी ही व्यथित हैं और वे लोग कॉन्स्टेंट रास्तों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन अपनी आवाज उठा रहे हैं अलग अलग प्रकार से, गवर्नमेंट और वहां की यूके की जो अथॉरिटीज हैं उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके सामने वहां की जो फार लेफ्ट विंग सरकार है कि स्टार्मर के अंडर में वे लोग और उनकी पुलिस ऐसे यूके के नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर ही क्रैकडाउन कर रही है, उन लोगों के घर जा जाकर उन लोगों को अरेस्ट कर रही है और उन लोगों को पुलिस सेल्स में बंद कर रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स जिन लोगों को ऑलरेडी जेल में रखा गया था और रवांडा प्लान ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था उसको हियर स्टार्मर ने ऑलरेडी खारिज कर दिया, और जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर प्रिजंस में रखा गया है ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ ऋषि सुनक, उन लोगों को ये लोग जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके सामने जो भी राष्ट्रवादी लोग जो कि देश का यूके का भला सोच रहे हैं उन लोगों के खिलाफ ही क्रैकडाउन कर रहे हैं, उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश इस ऑपरेशन अर्ली डॉन के माध्यम से कर रहे हैं। इसी के चलते वहां पर जो आने वाले समय में परिस्थितियां हैं वो बहुत ही कठिन होने वाली हैं, बहुत ही क्रिटिकल होने वाली हैं, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रवादी वो धीरे धीरे करके संख्या में बढ़ रहे हैं, उनके बीच में यूनिटी भी बढ़ रही है और साथ ही में जो बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उसके सपोर्ट में जो सरकार और अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है इंक्लूडिंग द पुलिस, वे लोग इन राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर जो कि देश का भला चाहते हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में यूके में क्लैशेस जो ऑलरेडी हो रहे हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप क्या सोचते हैं, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन अर्ली डॉन एनेक्ट किया गया है यूके गवर्नमेंट और वहां की अथॉरिटीज के द्वारा, उसके बारे में ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आशा रखते हैं कि वहां के जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी सिटीजन हैं, उन लोगों को ज्यादा पीड़ा ना हो, उन लोगों के प्रश्नों का हल जल्द से जल्द निकले, क्योंकि भले ही एक समय पर यूके ने हमारे देश के ऊपर राज जरूर किया हो लेकिन हाल की जो परिस्थितियां हैं और वहां के जो आम नागरिक वे लोग वहां के देश के हित की बात कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं, जिस प्रकार से हम लोग हर एक उस भारतीय के साथ जो कि भारत के लिए और सनातन के लिए आवाज उठा रहा है, वो आशा करते हैं कि परिस्थितियां वहां पर कंट्रोल में आए और ये जो ऑपरेशन अर्ली डॉन एनेक्ट किया जा रहा है उसको खारिज किया जाए, उसको रोक दिया जाए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।